वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स, ये आप लॉन्ग कर रहे हैं, यहां पर बाय का ट्रेड है, तो जो स्पेस इस बाजार में इस वक्त कंफर्टेबल है, स्ट्रांग है, आप उसी स्पेस को पिक करते हुए इंडसइंड बैंक को, बैंक सागर आप देखिए अच्छी स्थिति में है। मानस, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त अपने ट्रेड को, आपका ट्रेड क्या होगा? आप वीकनेस वाले पॉकेट्स को ढूंढ रहे हैं, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या फिर बैंक्स जो कि अब तक आप देखें तो इस सेशन के अब तक के अगर आप देखें 60% पार्ट में काफी स्ट्रांग रहे हैं, आप उन पे फोकस कर रहे हैं? तो देखिए वीरेन जी, मेरा समझना ये है कि क्योंकि निफ्टी ने वो गैप फिल किया है और उसके नीचे ट्रेड करने लगा है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी गिरावट और बढ़ेगी और शायद हमें करीब करीब 150-200 पॉइंट की गिरावट करंट लेवल से और देखने को मिल सकती है। 20-day मूविंग एवरेज भी निफ्टी टेस्ट कर सकता है, इसलिए कॉशियस रहने की जरूरत है। खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन जहां वीक पॉकेट्स है वहां पर बिल्कुल बिकवाली करनी है। तो वो जो स्टॉक मैंने इस टाइम चूज किया है वो है विप्रो का। देखिए विप्रो मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि विप्रो में लगातार रेजिस्टेंस है 615 के आसपास, काफी समय से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट फाइनली आज ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो ये निगेटिव संकेत है। उम्मीद करिए कि अब 560 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे, इसलिए विप्रो में एक सेल रिकमेंडेशन है, 590 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करिए 560 के टारगेट के लिए। देखिए अगर आप देखें इस पर कितने डाइवर्जेंस है व्यूज में, आप देखिए अभी इंडसइंड बैंक पे बाय ट्रेड आया जो स्ट्रांग पॉकेट थी, लेकिन आईटी जहां पर वीकनेस है वहां पे मानस कहते हुए आपको कि जनाब शॉर्ट करके लिए चलना चाहिए, 581 स्वर्ग विप्रो का स्तर है। लार्ज कैप आईटी में वाकई